सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमें डीनो कम्युनिटी डे पोकेमॉन गो में कभी भी दिख सकता है कि नहीं, और सिर्फ डीनो ही नहीं, क्या हमें गूमी कम्युनिटी डे भी कभी दिख सकता है पोकेमॉन गो में कि नहीं दिख सकता। ओके, तो गाइस एक बात आप नोटिस कीजिए कि जो कोई भी कम्युनिटी डे पोकेमॉन में होते हैं, यानी कि सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन, ओके सूडो लेजेंडरी मतलब आप नहीं जानते, तो सूडो लेजेंडरी वो पोकेमॉन होते हैं जिनके मैक्सिमम 3 स्टेज होते हैं बिना मेगा एवोल्यूशन के, ओके और उनके मैक्सिमम बेस स्टैट होते हैं जो 3rd स्टेज के, वो 600 के ऊपर के होते हैं। ओके, तो फिलहाल करेंटली पोकेमॉन गो में जितने भी अभी रीजन रिलीज हैं, यानी कि कैंटो, जोटो, सिनो, होवेन और यूनोवा कैलोस, ओके तो इनमें हर रीजन में एक ना एक या मैक्सिमम 2 हो सकता है, आगे और भी आ जाएं, सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन होता ही होता है। कैंटो का जो सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है वो है ड्रैगनाइट। ओके, तो जो लोग नहीं जानते, बहुत पहले 2017 में 18 में इसका कम्युनिटी डे आया था ड्रैगनाइट का, ड्रैकोमीटर के साथ। ओके, तो लोग ये लोग बहुत से लोग ये कहेंगे कि ड्रैटिनी उतनी रेयर पोकेमॉन नहीं है, ज़्यादा उसका मायने नहीं रखता, तो हो सकता है कम्युनिटी डे आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है। तो गाइस ये ख़त्म नहीं होता, जोटो का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि लार्वेटर और टायराडेटर, इसका कम्युनिटी डे भी आया था स्मैकडाउन के लिए। ओके, फिर आता है कि गाइस यही को बड़ी बात नहीं है, एक्स हैच होता है, ज़्यादा रेयर नहीं है। फिर आता है बेगॉन कम्युनिटी डे, ओके सेलेमेंस के लिए, आउटरेज के लिए। आप ये नोटिस कीजिए, तीनों रीजन्स के एक एक पोकेमॉन का कम्युनिटी डे आ चुका था। फिर आता है बिग बैग मेटाग्रॉस, मेटाग्रॉस का कम्युनिटी डे आता है 2018 में मीटी और मैश के साथ। लोग नहीं जानते, मेटाग्रॉस हो गया, सेलेमेंस हो गया, ड्रैगनाइट हो गया और टायरानेटर हो गया, ये सब सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है और सब बारी बारी करके आए हैं। ओके, अब फिर लोग कहेंगे गाइस भाई ये तो बहुत नॉर्मल पोकेमॉन हो गए, ये इतने रेयर भी नहीं है जितना रेयर गिबल है, उसका कम्युनिटी डे कभी नहीं आने वाला। अब भाई वो बातें बेकार हो चुकी हैं, गिबल कम्युनिटी डे भी पोकेमॉन गो ने अनाउंस कर दिया है, यानी कि फाइनली हमें गिबल कम्युनिटी डे दिख सकता है। ओके, तो गाइस वो लोग यहाँ से पूछेंगे कि यहाँ मेल फीमेल क्यों लिखा हुआ है, फ़र्क होता है दोनों में। जो मेल गिबल होता है वो यहाँ जहाँ से देखिए, उनके पीछे जो शार्क की जगह उसकी कह सकते हैं, शायद फिनी कह सकते हैं इसको, इसमें एक कट लगा हुआ है, वो यहाँ पे गैबाइट के साथ है और वो यहाँ पे कार्चॉम के साथ है, फीमेल में वो कट नहीं होता है, तो इससे पहले बस लिखा हुआ है, मेकअप में कोई फ़र्क नहीं होता। अब पोकेमॉन गो ने सिनो के बारे आते आते उन्होंने इसका कम्युनिटी डे भी हम लोग को बता दिया है। अब आगे क्या बचता है, डीनो और हाइड्रैगन। अब भाई लोग तुम ये तो बिल्कुल मत कहना कि प्रो ज़्यादा रेयर, तो डीनो जितना रेयर पोकेमॉन का नहीं आ सकता। भाई जिबल भी बहुत ही रेयर था, उसकी कम्युनिटी डे आया ना, हो सकता है एक्ज्यू कम्युनिटी भी आए, एक्ज्यू सूडो लेजेंडरी नहीं पोकेमॉन नहीं है, एक्सोरस पर कह सकते हो रेयर पोकेमॉन है, हो सकता है कि जब पोकेमॉन गो, देखो एक बात आप नोटिस करो, पोकेमॉन को कम्युनिटी डे क्यों देता है, या तो पोकेमॉन को शाइनी रिलीज होता है उसमें, ठीक है, या तो बोनस ऐसे होते हैं कि किसी शाइनी रिलीज पोकेमॉन के लिए भी कर देता है। पोकेमॉन को ज़्यादातर देखिए किसका कम्युनिटी देता है, ओके स्टार्टर पोकेमॉन का देता है, ऐसे रेयर पोकेमॉन हो गए उनका दे देता है। ये बात बस देखने वाली है कि पिछले साल यानी 2020 में पोकेमॉन गो ने बहुत सस्ते कम्युनिटी दिए थे, गेंगार कम्युनिटी डे जो पहले से शाइनी रिलीज था, वीडल कम्युनिटी डे, भाई वीडल का कम्युनिटी डे तुम लोग क्या करोगे। मानते हैं कि ग्रेट लीग में बहुत बढ़िया काम आ सकती है वीडल, बहुत अच्छी बक टाइप अटैक कर है, बहुत अच्छी पॉइंट टाइप अटैक कर है, तब भी किस मतलब की है ड्रिल रन के लिए, भाई 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 भाई। तो गाइस हम लोग आगे देखते हैं, तो ये लिस्ट है आज तक जितने भी कम्युनिटी डे आए थे। ओके, तो पहला कम्युनिटी डे आया था 2018 में 20 में पिकाचू का, फिर आया ड्रैटिनी का, बल्बसौर। तो एक गाइस बात ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो पोकेमॉन कह सकते हैं जैसे मेटा रिलेवेंट हो गए, या आगे जाके जिनका मेगा आना होता है, और स्टार्टर पोकेमॉन, और जैसे एनीमे बेस्ड पोकेमॉन, एनीमे में देखो पिकाचू भी स्टार्टर ही था, ऐश के पास स्टार्टर पिकाचू था, ओके बल्बसौर स्टार्टर होता है। पोकेमॉन को पहले फोकस क्या करता है, धीरे धीरे वो तीनों स्टार्टर का देता है। ओके, अब देखिए एक बार नोटिस कीजिए, आज तक लेके सिनो से लेके यूनोवा तक, यूनोवा के 2 बचे हैं तब भी सिनो तक, सारे स्टार्टर्स के कम्युनिटी डे आ चुके हैं, लिटरली सबके आ चुके हैं, और अभी यूनोवा का भी एक आ चुका है। हो सकता है आगे जाके ये गिबल कम्युनिटी डे के बाद हमको एम्बोर का मिल जाए, हम लोग को सैमुराट का मिल जाए, एम्बोर मतलब यानी कि टेपिग और सैमुराट माने ओशावॉट। ओके, तो आगे देखते हैं, फिर आता है लार्वेटर, स्क्वर्टल, ईवी। तो मैं कल बताया था कि लास्ट रिजॉर्ट मिलता है, हो सकता है जब इस साल यानी कि 2021 का दिसंबर कम्युनिटी डे हो तो हम लोग को सैलियम पे मिल सके, या हो सकता है कि पोकेमॉन को बेवकूफ़ी करके हम लोग को एक और ईवी कम्युनिटी डे दे लास्ट रिजॉर्ट के लिए, वो तो बेवकूफ़ी होगी कायदे में उसकी। हो सकता है कि वो एलीट चार्ज टीएम के लिए रिलीज़ कर दे लास्ट रिजॉर्ट को। अगर आगे देखते हैं, चिकोरीटा, बेल्डम, सिंडाक्विल और गया, ठीक है। फिर आता है दिसंबर कम्युनिटी डे, नवंबर 30 से दिसंबर 2 तक। ये तो तब की बात थी जब पोकेमॉन को ज़्यादा अच्छा नहीं था,
फिर आता है टोटोडाइल, स्वाइनअप, ट्रीको, बेगॉन, टॉर्चिक, स्लैकॉज, मटके, ब्रॉल्स, टर्टविक, ट्रैपेंच, चिमचार। ओके, फिर आता है फिर से डिसंबर कम्युनिटी डे, इस बार थोड़ा अलग होता है, 14-15 के लिए होता है। पिपला, प्राइहॉन, ये आता है 2020, यहाँ ज़्यादा अच्छे पोकेमॉन नहीं थे। ओके, सीडॉट, वीडल, ऐसे बाकी सब होते हैं। फिर आते आते देखिए अब आ जाता है गिबल कम्युनिटी डे। इस साल का देखा जाए तो शुरू में मैचअप का आया था, मैचअप बहुत बढ़िया फाइटिंग टाइप है, आप शैडो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया था। रोजेलिया के लिए हमको दो मूव मिले थे, तो कह सकते हैं कि हाँ इसकी बुराई हम नहीं कर सकते, फ्लैचलिंग, स्नाइवी, स्वाब्लू और गिबल। तो गाइस अब देखने वाली बात यह है, हमको मोस्ट प्रोबेबली मिल सकता है आगे देखने को, आगे साल हो सकता है, अगले साल क्या हो सकता है उसके, हमको कह सकते हैं तरीके से हमको गोफेस्ट के समय, अगले साल गोफेस्ट के समय, क्योंकि इस साल तो गिबल रिलीज़ हो गया, इस साल तो उसके चांसेस बहुत कम है डीनो के रिलीज़ होने के। अगले साल जब कह सकते हैं कि अलोला रिलीज़ होने वाला हो, क्योंकि कह सकते हैं अभी कालोस रिलीज़ हुआ था तब जाके गिबल का कम्युनिटी आया, हो सकता है जब अलोला रिलीज़ हो तब इसका है। तो आगे देखिए अभी जो रीज़न रिलीज़ नहीं है, यानी कि अलोला और गैलार, उनकी गैलारियन फॉर्म्स और अलोलन फॉर्म्स तो अभी फिलहाल रिलीज़ है गेम में, पर उनके पोकेमॉन भी रिलीज़ नहीं है सिवाय मेलमेटल के। तो आगे होके जांगमो ओ मैं पता नहीं मैं सही प्रमाण कर रहा हूँ हैं, और ड्रैगापल्ट, इन सब के भी आ सकते हैं। तो गाइस इनके लिए देखना होगा, एक बात ध्यान रखिए हर किसी का एक ट्राइडिंग कम्युनिटी डे जरूर आएगा, क्योंकि देखो पोकेमॉन गो की कुछ लिमिटेड स्पीसीज होती हैं। ओके, ऐसा तो नहीं सकता कि लेजेंडरीज को वो दे देगा कम्युनिटी डे, ऐसा नहीं हो सकता, रेड डे दे सकता है। एक समय ऐसा भी आएगा जब पोकेमॉन गो के पास को रिलीज़ करने को नहीं बचेगा। ओके, तो एक बात पक्की है, इनका कम्युनिटी डे जरूर आएगा, एक ना दिन जरूर आएगा, स्टे ट्यून्ड रहना। क्या पता गिबल कम्युनिटी के बाद अगला वही हो सकता है कि ना हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, कहा इसके चांसेस खाली 0.00001% है, जितने इसके संभावना है कि आप वीडियो देखते देखते खत्म हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो। तो बस थैंक यू गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गाइस देखो आप लाइक करो ना करो हमें पता है कि आप वीडियो देख रहे हो, आपने पूरी देखी आपको अच्छी लगी होगी, पर भाई सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़, और भाई प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो बाकी को शेयर कर देना। थैंक यू।